विदिशा जिले के पठारी में श्री बालाजी सरकार धाम बड़ोह में 51 कुंडीय श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी पूर्ण तैयारी का जायजा लेने विधायक और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। इस दौरान श्री महंत ने विधायक सहित कई भक्तों को जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें जैन, हिंदू और मुसलमान धर्मावलंबी भी जिम्मेदारी दी गई है। श्री बालाजी सरकार धाम बड़ोह में 28 फरवरी से 8 मार्च 2022 तक 11वां 51 कुंडीय श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसकी पूर्व तैयारी का जायजा लेने कुरवाई विधायक हरि सिंह सप्रे, एसडीएम अंजलि शाह, प्रशासनिक अधिकारी श्री बालाजी सरकार धाम पहुंचे। श्री महंत विष्णु दत्त जी महाराज ने बताया कि यह 11वां 51 कुंडीय श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए मैदान का समतलीकरण, विद्युत व्यवस्था के लिए 100 केवी का ट्रांसफार्मर, जल व्यवस्था के लिए 10 टैंकर, चलित टॉयलेट सहित अन्य व्यवस्थाएं की जाएगी। विदिशा पठारी से आशीष शेले की रिपोर्ट। बोले वाले ही सरकार की जय। श्रीमान जी, ये कार्यक्रम हमारा 51 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ, ये 2008 से निरंतरता चला आ रहा है, लेकिन कुछ कारणवश महामारी, कोरोना महामारी के कारण विगत लगभग दो वर्ष से नहीं हो पा रहा था। और ये कार्यक्रम हमारा 51 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ 11वां यज्ञ है। इसमें 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेदों का वाचन होगा। श्री राम कथा का आयोजन होगा, साथ में रात्रि में रासलीला, वृंदावन के सुप्रसिद्ध लोगों के द्वारा रासलीला का आयोजन है। इस कार्यक्रम में लगभग 2 से 2.5 लाख लोग 9 दिन में आवागमन होते हैं। उसी संबंध में आज बालाजी धाम पर एक गोष्ठी का आयोजन हुआ, बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें माननीय विधायक जी, मंडल अध्यक्ष हरनेश जी, माननीय राजन सिंह जी गढ़ी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।